तो ये किस तरह ट्रांजिशन हुई इनटू दिस इंडस्ट्री? सोचा नहीं था, जैसे एज यूजुअल सब कहते हैं इत्तेफाकन, और इत्तेफाकन आई, और उसके बाद फ्रेंकली पैसे इतने अच्छे लगे कि मैंने कहा यार मैंने तो इतने साल पढ़ा है, इतने तो पैसे उधर नहीं मिल रहे जितने इधर मिल रहे हैं, यही करे जाओ। और असल में इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ, और फ्रेंकली मेरे बच्चे थे एंड चीज़ें थी, और मुझे लगा कि अभी लाइफ में इस तरह कर लेना चाहिए कि फ़िलहाल इस बात को आगे बढ़ा लेते हैं, उसको थोड़ा ब्रेक पे रखते हैं। तो कुछ साल उसको ब्रेक पे रखा, और उसके बाद वहाँ भी काम शुरू किया, पढ़ाई शुरू की मजीद, और अल्लाह का शुक्र अब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, जैसे आपके साथ है। मैं तो कहता हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ डाइवर्सिटी, कि आप एक टाइम पे अपने आप को कभी भी लिमिट मत करें, आप सेवरल करियर्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और ये उसकी एग्जांपल आपके सामने है। और इसी से एक बड़ा संजीदा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना है, हालांकि संजीदा सवाल आप जब आप पूछते हैं अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, आप अपने अंदाज में वैसे ही सवाल करें, मैं लेकिन करना चाहूंगा संजीदा सवाल कि सुना है आपको एक बॉलीवुड एक्टर पे बड़ा क्रश था, और उनका इंटरव्यू करते करते कोई मिसहैप हो गया था इंटरव्यू के बाद, ये क्या स्टोरी है? आप अब ये सोशल मीडिया की आ गई, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, बिल्कुल करें जी वायरल सोशल मीडिया पे। अच्छा जी, हुआ ये था कि जी मैं शाहिद कपूर की को बहुत ही बड़ा मुझे क्रश था एक जमाने में, यार एक जमाने में, अब नहीं, एक जमाने में, अभी भी हो सकता है, नहीं अभी भी हो सकता है, मगर शाहिद कपूर के उस जमाने में मुझे बड़ा क्रश था उनके ऊपर। तो खैर जी, मुझे ARY में काम करती थी, उन्होंने कहा जी आपको जाना है और शाहिद कपूर का इंटरव्यू करना। उससे पहले मैं काफी और इंटरव्यूज बॉलीवुड स्टार्स के कर चुकी, कहा यार शाहिद कपूर का, मैंने तो इतनी तैयारी जिंदगी में किसी के इंटरव्यू की नहीं की, मतलब कपड़े क्या पहनने, मेकअप कैसे करना है, बाल कैसे बनाने हैं, सवाल क्या पूछने, ये टाइप सीन एक्सेप्ट करूँ तो वो एक्सटेम्पोर चीज़ें, लेकिन फिर मैंने वो बड़ा को, मैंने यहाँ से ड्रेस लिया और वहाँ मैं पहुँची दुबई, और उसके बाद मैंने कहा जी मैं तो यहाँ सैलून जाके बाल बनवाऊंगी। मैं दुबई पहुंची सैलून पे, आपको पता है वहाँ सारे अरेबिक लोग, तो उन्होंने मेरे बाल जो है ना वो अपने टाइप टेस्ट के बना दिए, वो मेरी हेड एंड लिटिल लैम वाले ना, यूं बिल्कुल गोले गोले। अब मैं देखूं और मुझे दिल चाहे कि मैं चीखूं अपने आप को देख के ना कि मैं लग क्या रही हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे तसल्ली दिलवाई, वो जो बना रहा था भाई मेरे बाल, शायद को यही स्टाइल पसंद नहीं, उसने मुझे तसल्ली दिलाई कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो मैंने कहा अच्छा शायद मैं प्यारी लग रही होंगी, ठीक है। बहरहाल मैं पहुंच गई जी, उसने मेरा जितने बड़े बड़े यहाँ यूँ मेरे चेहरे पे मेकअप और हेयर डूज कोई बहुत अच्छे नहीं लगते, तो मैंने कहा कोई बढ़िया, मैं स्पेशल तैयार हुई हूँ उसके लिए। हम पहुंच गए जी, पहुंचने के बाद मैंने इंटरव्यू शुरू किया, और मैं अपने आप में सोच रही हूँ कि मैं कितनी अच्छी लग रही होंगी ना, मैं तो बड़ा इंप्रेस कर रही होंगी। थोड़ी देर बाद ब्रेक हुई, उसने कहा मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ौरन कहा कि ये टी शर्ट है, इस पे मेरी तस्वीर थी, मॉर्निंग शो करते थे हम उस जमाने में, तो उसने कहा कि शाहिद कपूर से ना साइन करा लेते हैं गिव अवे के लिए। तो टी शर्ट यहाँ रखी शाहिद कपूर ने, उसने साइन करना शुरू किया, उसने कहा ओ उस पिक्चर इज दिस, और वो आपकी पिक्चर थी, कसम खुद कहता है कि किसकी तस्वीर है, और ना मैंने शक्ल, मैंने कहा जी मैम आई डोंट नो, मैंने कहा मेरी मेरी कुछ अलग से ना निकले ना, कह मेरी कहता है अच्छा, उसका जो एक्सप्रेशन थे वो ये थे। तो खैर, तो मैंने कहा यार मेरी तो कोई इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, वो मुझे पहचाने ही ना इस तरह। फिर मुझे कहता है हाँ यू लुक वेरी डिफरेंट इन प्लेन हेयर, आई मीन स्ट्रेट हेयर। मेरी तो मतलब मैं जितनी एक्साइटेड थी मैं वही मेरा दम निकल गया आधा। अच्छी से पॉजिटिव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह रहा था उसने, नहीं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं कह रहा था वो। उसने कहा हाँ हाँ, मुझे से शर्मिंदा नहीं होते कुछ पकड़ा गया हो, कहते हैं आप डिफरेंट लगती हैं सीधे बालों में। मैंने कहा जी अब बाकी मैं सारे सवाल भूल गई। उसके बाकी जो इंटरव्यू रह गया था उसमें दो दफा मैंने अपने आप को रोका, मैंने कैमरे को रुकवाया, मैंने कहा ओह मुझे दोबारा याद करने दें, क्योंकि मैं इतनी पजल हो गई, कन्फ्यूज हो गई। खैर उसके बाद जी एक और चीज़ हुई कि जी जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उसने मुझे कहा कि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है सारे जो बच्चे का साथ होते हैं, उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर साहब का तो बड़ा क्रश है आप पे। वो भी थोड़ी एम्बेरसमेंट हो गई थी, लेकिन खैर है मैं भी ढीठ बनी रही। वो कहते हैं कि जैसे इंटरव्यू ख़त्म, उसने कहा अच्छा आप लोग क्या कर रहे हैं आज, मेरी टीम को पूछा, मुझे पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं रात को, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ मिर्ची क्लब पे डांस कंपटीशन है, तो मैं जज करने जा रहा हूँ, तो व्हाई डोंट यू गाइस कम देयर। और मैं देखें मैं नहीं नहीं मुझे तो काम नहीं था, हालांकि कोई काम नहीं था,
और आप नहीं गई? नहीं गई। Oh my God! ये मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि इस चीज का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। ये कैसे कर दिया आपने? बस कर दिया। वो शाहिद था, मैं होता, मैं कहता शाम को मैं घोगे के चने खाने जा रहा हूँ। आपने मिर्ची का डांस कॉम्पिटिशन मिस कर दिया। हाँ, छोड़े मिर्ची को तो छोड़े, शाहिद के साथ हम एक दफा दोबारा होते, पूरी टीम होती, लेकिन मैंने वो रात को बाल स्ट्रेट करके चली जाती। हुए ना मोमिन साकिब उस वक्त मेरे साथ, वरना एडवाइजर आपको रख लेती। मुझे आप अपना चीफ एडवाइजर रख ले। गलत हो ये गया। तो गलत हो गया। गया। तो अपनी घूमत हम बनाएंगे, उसके बाद कोई शाहिद से मुलाकात हुई? नहीं, उसके बाद नहीं हुई। जी नहीं, वो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नहीं तो ओए होए यार, मैं खुद पजल हो गया हूं दुख में, क्योंकि मैं इतना आई फील फॉर यू कि नाउ आई एम फीलिंग फॉर द सिचुएशन कि क्यों नहीं आप वहां पे। लेकिन चले कोई नहीं, आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला, इतने करीब से अपने क्रश को देखने का आपको मौका मिला। हाँ। तो वो क्या जो एक्सपेक्टेशन होती है दूर से, वो उसी तरह का ही शाहिद था ओरिजिनल में भी? वैसे ही या शाहिदा टाइप? नहीं 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 नहीं, वैसे ही था, वैसे ही था, वैसे ही था। हाँ। चलो वेरी गुड शाहिद, देखो वो आपसे मिली तो आपकी जिंदगी में कबीर सिंह आई, और देखो आपका करियर कहां से कहां चला गया। तो अगर तुम कबीर सिंह जैसी कोई और हिट देना चाहते हो तो एक और इंटरव्यू शाइस्ता जी के साथ कर लो। ये एमी ब्रदराना रिक्वेस्ट है कि ब्रदर्स के बीच में जो होती है, तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, शायद मेरे जिक्र का जो वापस याद रखना। गोइंग बैक टू शाइस्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मैंने सुना कि आप जब सफर कर रही होती है, वैसे आप तो सफर ट्रैवल करती है, मैं और ये हम ज्यादातर सफर ही करते हैं मुझे लगता है, लेकिन जब आप सफर करती हैं? नहीं, मैं दोनों तरह के सफर करती हूँ, वो वाला सफर भी करती हूँ और वो सफर तो करती हूँ। बस उसको भी छोड़ दे, इस सफर पे आती हैं। हाँ। कि सफर करते वक्त मैंने सुना आप पैसे घुमा देती हैं, वो भी डॉलर्स। अगली बारी मैनू ना ला जाना, डॉलर गुवाचन तो पहला हो सकता, मैं खजाना भी डलवा दूं। ये क्या रिकॉर्ड है? नहीं, डॉलर क्या, जिस भी कंट्री में होंगे उस कंट्री के पैसे। कभी ऐसे हुआ कि मैंने सुना कि बड़ी अमाउंट गुम गई थी आपसे? यहाँ माशाल्लाह मेरे साथ ना संभालने वाले मेरे लोग बड़े हैं, मैं इस हवाले से बड़ा केयर फ्री टाइप की हूँ, लेकिन मैं जब ट्रेवल करती हूँ तो मैं ही बड़ा होती हूँ, बच्चों के साथ मैं ही बड़ा होती हूँ, और मुझे चीजें रखनी होती हैं, बस वो नहीं मैं रख पाती। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अगर साल में 4 दफा ट्रेवल करूँ, मतलब वेकेशंस करूँ और इस तरह, तो मैं 3 दफा जरूर पैसे खोकर आऊंगी। कोई एक हादसा? अभी रिसेंटली मैंने ये किया, मैंने सिंगापुर में भी ये किया, जब मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ, हम तो उस घराने से थे ना जो कभी पहले मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट भी हार्डली ली होती टाइप ना, मिडिल क्लास फैमिली थी, तो हम जी पहुंचे बच्चों को लेके सिंगापुर, और मैंने पूरा वो एनवेलप जिसमें पैसे थे वो गिरा दिया, और मैं बच्चों के साथ थी, मत पूछो यार, $10,000। ओह माय गॉड, 10,000 आजकल के हिसाब से कोई 30-32। भाई बहुत सारी मॉर्निंग शो की तनख्वाहें थी उस जमाने में, वो 30-32 नहीं था, लेकिन हाँ। तो आपने वो कहां, किस किधर चला गया? समझ में नहीं आया, सिंगापुरी के पास होगा किसी, तो आपने ढूंढा नहीं उसके बाद? बहुत ढूंढा, हालांकि सिंगापुर तो बड़ा सेफ कंट्री है क्राइम वाइज। यार ये तो सोचे आप कि उसके बाद मैंने पैसे मंगाए कैसे होंगे, किस क्या किया होगा मैंने, और बच्चे से मेरे साथ मैंने क्या किया होगा यार। लोग, मैं तो ऐसे सफर भी करती हूँ। मैं होता ना आपकी जगह, मैं तो वही अपना बच्चा पकड़ के मोटरवे पे नहीं, सर ट्रैवल कर रहे थे तो वॉलेट घूम गया, जो आप कर सके। लेकिन डॉलर की ये बात है, डॉलर का पता नहीं चलता कहाँ गए, हमारे मुल्क में भी आते पता नहीं चलता कहाँ गए। नहीं नहीं, आप आपकी सोच है, मैंने दिरहम भी घुमाए अभी दो महीने पहले, एक महीने दुबई में आपके पैसे चले? यस, दुबई में तो लोग गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। जी, मैंने ये किया। रहती है। जी जी, नहीं नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं है, मैं मेरे शेड्स और मेरे पैसे दोनों गए हैं और फिर नहीं मिले बाद में। कहाँ किए थे आपने? मॉल। कौन से मॉल में? नहीं था, मैं जाके ढूंढ लूंगा। दुबई में। और वो नहीं मिले फिर? तो अब इसका देखें, शोज तो चलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपके साथ एक अब हमारा एक रिश्ता है, इतनी अच्छी दोस्ती भी हो गई है, सोल्यूशन बताएं, अब हमारी फैमिली की तरह है। मैंने सोच लिया है, आइंदा कभी देखें मोमिन साकिब को अगर आप अपने साथ ले जाएं और पैसे सारे इन्हें पकड़ा दें तो मोमिन ही घूम जाएगा। मुझे ये बताएं अब सलूशन क्या है आगे, हम ऐसा क्या आप प्रैक्टिसेस लाइफ में इंक्लूड कर सकती हैं कि ये पैसे मत घूमें? तो बस अब वो मेरी मैनेजर जो है वो साथ होती है।